नमस्कार किशन भाइयों, आपका ही फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। किशन भाइयों, इस वीडियो में बात करने वाले एप्पल बीर का फसल मिलने के बाद फसलों का शेप अच्छा नहीं रहता है, क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा फलों में पीलापन का बीमारी आता है, ब्लैक स्पॉट का बीमारी आता है। इसके लिए तो क्या करना है, कौन सा पेन टोनिक उपयोग करना है, कौन सा फंगिसाइड उपयोग करना है जो एप्पल बीर का फसल मिलने के बाद, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कृष्ण भाई, जब आप एप्पल बीर का खेती करते हैं तो क्या समस्या होता है फसल आने के बाद, जैसे फल मिलने के बाद, जैसे फलों का अंदर पीलापन का बीमारी ज़्यादातर दिखाई देता है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप क्या करना है कृष्ण भाई, जो बाईबीटा एग जो पेनकुट टोनिक है बेहतरीन काम करता है फलों से गिनने के लिए, पीलापन बीमारी को नियंत्रित करने के लिए, इसके अलावा फलों का शेप साइज अच्छा रहने के लिए क्या काम करता है, बेहतरीन काम करता है बाईबीटा एग। बाईबीटा एग जो होता है इसमें क्या रहता है, साइटोकाइन भी रहता है, ऑक्सिन भी रहता है, और नेचुरल हार्मोन भी रहता है, जैसे प्रीमेच्योर फल गिर जाता है। इसके अलावा जैसे फूल आने के बाद फूल गिर जाता है, फसल मैच्योरिटी होने से पहले क्या होता है, ब्लैक स्पॉट का बीमारी आ जाता है एप्पल बीर में। इसलिए क्या करना है, इसको जरूर उपयोग करना जो बाईबीटा एग्स है। बाईबीटा एग जो होता है उसका डोसेस कितने स्प्रे करना है, इसका डोसेस लगभग आप 50 लीटर पानी में 50 ml स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। उसके साथ दूसरा कोई भी फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, लेकिन इसका बेहतरीन काम करते हैं। इसका पहला स्प्रे करने के बाद एप्पल बीर का खेती में लगभग 25 डेज के बाद क्या करना है, दूसरा स्प्रे भी करना है एप्पल बीर का खेती में, जैसे फलों को अंदर जो बीमारी आती है उसको नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद दूसरा जो किया था एप्पल बीर का खेती में, पत्तियों में पत्ताचेदक जो कीटों का वजह से फसल खराब हो जाता है और कीड़ा का वजह से एप्पल बीर का फसल खराब हो जाता है, तो कीड़ा के लिए कौन सा दवाई उपयोग करना है जो एप्पल बीर का खेती में कीड़ा के लिए, जैसे फ्रूट बुरार के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुरा एपीएमसी कंपनी का कुराजन भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी आप सुमी प्रिंट भी उपयोग कर सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोर जो 5% वाला दवाई होता है इसको भी उपयोग कर सकते हैं। क्या उसके लिए, फल चेदक के लिए, फल चेदक क्या होता है, जिससे कीड़ों का अंदर फसल फल मिलने के बाद जो कीड़ा हो जाता है फलों का अंदर, इसके लिए भी आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। जो इमामेक्टिन बेंजोर 5% लैम्डासाइक्लोथिन जो दवाई है आप आसानी से उसको उपयोग करने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्ण भाई, आई बात करेंगे एप्पल बीर का खेती में, जैसे फ्रूट मिलने के बाद फलों का अंदर जो ब्लैक स्पॉट का बीमारी और पीलापन का बीमारी आता है, क्यों आता है? पीलापन का बीमारी ज़्यादातर जैसे MOP जैसे पोटाशियम का कमती में भी हो सकते हैं, फंगल का समस्या में भी हो सकते हैं, इसके अलावा बुरन जो होता है इसको समस्या के लिए भी हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है, बुरन जरूर उपयोग करना फल आने के बाद, बुरन जो 20% फोलियर स्प्रे है स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन काम करते हैं फलों का अंदर जो बीमारी आती है उसको नियंत्रित करने के लिए, फलों का शेप अच्छा रहने के लिए, क्वालिटी अच्छा रहने के लिए बुरन जो 20% होता है इसको बेहतरीन काम करता है एप्पल बीर का खेती में। इसका डोसेस लगभग 100 ग्राम आप 100 से 120 लीटर पानियों में गलकर उपयोग करने बेहतरीन काम करता है, जैसे फलों का जो समस्या आता है एप्पल बीर का, पीलापन का समस्या, इसके लिए भी आप क्या करना है, MOP जो पोटाशियम नाइट्रेट, कोई भी पोटाशियम नाइट्रेट पोटाशियम खाद जरूर उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। पोटाशियम नाइट्रेट जो स्प्रे कर भी सकता है, पीलापन बीमारी आपको खत्म हो जाएगा। इसका ब्लैक स्पॉट का बीमारी आता है फलों में, ब्लैक स्पॉट का जो फॉर्म है, इसीलिए क्या करना है आपको, जो कार्बन डाइजिंग 50% WP फॉर्म में रहता है इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। पत्तियों का पीलापन और फलों का जो ब्लैक स्पॉट का बीमारी रहता है, कार्बन डाइजिंग 50% WP फॉर्म में जो दवाई रहता है इसको उपयोग करने के बाद आपको आसानी से पीलापन और ब्लैक स्पॉट का बीमारी को आप नियंत्रित कर सकते हैं। किशन भाइयों, इस वीडियो में बात करते हैं एप्पल बीर का फल मिलने के बाद जो बीमारी आता है इसको कैसे नियंत्रित करना है, कीड़ों को कैसे नियंत्रित करना है, और जैसे पीलापन का बीमारी को कैसे नियंत्रित करना है इसके बारे में। इसके अलावा आप एप्पल बीर का खेती करने के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी जरूर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।